हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 30 एमसीक्यूज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड में। देखिए, इंग्लैंड में विश्व की सबसे पहली घड़ी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में विश्व में सबसे सस्ता ऊन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी कान का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपास्थि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित सोना कहलाता है डैश? सही आंसर है ऑप्शन डी, चाय। देखिए, चाय को हरा सोने के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसे बहुत कीमती माना जाता है और इसे दुनिया भर के कई अन्य देशों में निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। देखिए, शुक्र ग्रह यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कब्ज की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शनि ग्रह। देखिए, शनि ग्रह यह सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, फेफड़ा को। देखिए, न्यूमोनिया रोग यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भेड़ में। देखिए, भेड़ में के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? सही आंसर है ऑप्शन बी, कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया रोग किसका उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुवांशिक रोग का। देखिए, हीमोफीलिया रोग यह अनुवांशिक रोग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला न्यायाधीश के किसके नियंत्रण के अधीन होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, कुमार गुप्त के द्वारा। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आँखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्णांधता को। देखिए, वर्णांधता को यह ऐसा रोग है जिसको दूर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटियर सिंचाई परियोजना कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य में। देखिए, नेटियर सिंचाई परियोजना यह केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रामायण के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, महर्षि वाल्मीकि। देखिए, महर्षि वाल्मीकि ये रामायण के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस। देखिए, रूस यह विश्व का सबसे बड़ा देश है और अपना प्यारा भारत देश कौन से नंबर पर आता है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन ए,
सिनेमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, हिरोशिमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन ए, अहमद खान। देखिए अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्टिन लूथर ने। देखिए बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस नाम के भारतीय ने डायर को सहयोग किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, हंसराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चितरंजन दास। देखिए इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक के लेखक हैं चितरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 राज्यों से होकर। देखिए कर्क रेखा यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस यह भारत में चलने वाली सबसे तेज रेलगाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वंदे मातरम। देखिए वंदे मातरम यह भारत का राष्ट्रगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, किंग कोबरा। देखिए किंग कोबरा यह एकमात्र ऐसा जीव है जो पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलिपुरम के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन। देखिए नरसिंह वर्मन ये महाबलिपुरम के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, निम्न में से फेसबुक के संस्थापक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।